नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। एक नजर डालेंगे फटाफट खबरों पर। पीएम मोदी ने दुनिया के चौथे सबसे बड़े एयरपोर्ट का शिलान्यास कर दिया। उत्तर प्रदेश अगले 3 सालों के अंदर देश के सबसे प्रमुख विमानन केंद्र के तौर पर स्थापित हो जाएगा। उस समय तक जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का आधुनिकतम ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट होगा। इसके अलावा राज्य में उस समय तक 16 अन्य एयरपोर्ट भी परिचालन में होंगे। जेवर एयरपोर्ट शिलान्यास के बाद पीएम मोदी ने देश को किया संबोधित। पीएम मोदी ने सबसे पहले देशवासियों को बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि आप सभी को, देश के सभी लोगों को, उत्तर प्रदेश के भाई बहनों को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बहुत बहुत बधाई। इसका बहुत बड़ा लाभ दिल्ली NCR और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों को होगा। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर सादा निशाना। कहा, सपा ही देगी यूपी के विकास को नई उड़ान। अखिलेश ने ट्वीट कर लिखा, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार के समय फिरोजाबाद में प्रस्तावित एयरपोर्ट बनने की अनुमति केंद्र की बीजेपी सरकार ने रोकी ना होती तो उस समय जेवर के साथ चूड़ियों को भी जोड़ने का मौका मिलता और यूपी का वैकासिक श्रृंगार पूर्णता की ओर बढ़ता। आपत्तिजनक पोस्टर लगाने का मामला बुलंदशहर से सामने आया। बुलंदशहर में जेवर एयरपोर्ट उद्घाटन को लेकर सपा युवजन सभा के द्वारा आपत्तिजनक होर्डिंग्स लगाने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें सपा युवजन सभा के जिला अध्यक्ष नीरज यादव, राष्ट्रीय सचिव सुहेल अबरार और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य कोमल गुज्जर का नाम भी शामिल है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव से की मुलाकात। राजा भैया ने ट्विटर पर तस्वीर शेयर करके ये जानकारी दी। बीजेपी के पूर्व दिल्ली से सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को धमकी भरा ईमेल पाकिस्तान से भेजा गया था। सूत्रों के मुताबिक इस बारे में गूगल से जानकारी मांगी गई थी। योगी सरकार में राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह का विवादित बयान आया सामने। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि मदरसे आतंकवादियों के अड्डे हैं और वहां आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है। उन्होंने कहा कि मदरसे से निकलने वाला व्यक्ति आतंकवादी बनता है और उनकी सोच ही आतंकवादी होती है। कर्नाटक के SGM मेडिकल कॉलेज में 67 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेते हुए कॉलेज बिल्डिंग के 2 हॉस्टल सील कर दिया और इस कॉलेज में कुल 400 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति ने अभिनेत्री कंगना रनौत को समन जारी किया है। 6 दिसंबर दोपहर 12 बजे तक समिति के सामने कंगना को पेश होने के लिए कहा गया। कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। भराइश में नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने के मामले में दरिंदे पिता को फांसी की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने इस जघन्य अपराध की श्रेणी में लेते हुए दरिंदे पिता को फांसी और 51,000 रुपये जुर्माने की सजा दी है। बुलंदशहर से हत्या का मामला आया सामने, जहां एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक इसी बात पर कहासुनी होने के चलते दबंगों ने 3 युवकों को गोली मार दी, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 युवक जिला अस्पताल में भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है। गोंडा से एक सनसनीखेज वारदात आई सामने, जहां 3 लोगों की तलवार से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। घटना नगर कोतवाली क्षेत्र के शिवनगर मोहल्ले की है, जहां प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी ने प्रेमिका सहित 3 लोगों की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। हमीरपुर में भांग के ठेके का लाइसेंस लेकर अवैध गांजा बेचने का मामला आया सामने और हैरान करने वाली बात तो ये है कि नशे का यह काला कारोबार थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर फल फूल रहा था, जिसके चलते इसमें पुलिस की भूमिका भी संदेह में है। फटाफट खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।